कहते नहीं होता नहीं है। बाइबल में क्या लिखा, जब जैसा तू कहे वैसा तेरे लिए हो जाए। इसलिए बाइबल बोलती है जब तक आप मुंह से नहीं कहते तब तक वैसा होता नहीं है। आपको परेशानियां ऐसे लगती हैं पहाड़ की तरह हटने वाला नहीं है, लेकिन बाइबल बोलती है जो मुंह से कहता चला जाता है पहाड़ तक, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ। आप जैसे ही जाएंगे बेशक आपके सामने हटे ना हटे, लेकिन जब आप वापिस पलट रहे होंगे वो मुसीबत पलट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? आज क्लेम करने के लिए तैयार है कि नहीं? मुसीबतों को हराने के लिए तैयार है कि नहीं? मुसीबतों को हराने के लिए कोई और नहीं आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा मुंह ही आएगा। आप ही का मुंह मुसीबतों को हराता है। आप बोलते हैं कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास शादी नहीं है, मेरे पास अभी कोई प्रॉब्लम है, मेरा घर नहीं बना, मेरा ये नहीं बना। उसको बोलना स्टार्ट करो कि मेरा बन गया है, बन गया है, बन गया, बन गया, मेरे कोख से बच्चा आ गया, मेरे गर्भ से बच्चा आ गया। आदमी लोगों के गर्भ में नहीं बच्चा नहीं आना, आदमी लोगों के पेट में मिराकल की एक टेस्टमनी जन्म ले रही है। आपको कहना है आपके अंदर भी एक 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 मिराकल पैदा करने की शक्ति है। याद रखना कि कंसीव करना पड़ता है आपको भी अपने दिमाग में। आपको परमेश्वर के वचन को करा के उसको रिसीव करो, उसको रिसीव करो। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है कि समस्याओं से युद्ध कैसे लड़ें। और कितने लोगों के पास समस्या नहीं है? सब लोगों के पास समस्या है। एक समस्या सबके पास है कि नहीं? हर एक समस्या सबके पास है। लेकिन आज कह रहा बाइबल बोलती है समस्या का युद्ध लोग, कोई पैसे से लड़ता है, कोई सिपाही से लड़ता है, लेकिन मसीह लोग कह रहे दो तरीके से लड़ते हैं, कह रहे प्रार्थना और वचन की ताकत से। हालेलुया। कह रहे कि अगर आज से आप प्रार्थना और वचन को अहमियत देने लगे तो आपकी बीमारियों का युद्ध, कर्जे का युद्ध, समस्याओं का युद्ध मैं कह रहा हूँ 7 दिन में खत्म होने वाला। चार चामीन बोलने वाले जीत जाओ। आमीन। हालेलुया बोल कर आज शैतान को हरा दो। हालेलुया। कह रहे देखो हम इफिसियों की किताब 6:11 में क्या लिखा कि यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा है। कह रहा बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ और सुनता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, हर बार कह रहे क्या करते हैं लोग, जब भी कोई समस्या आती है तो ज्यादातर जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो फोन उठाते हैं और अपने ताऊ चाचे मामे फूफे नु फोन लाते हैं। अमरीका रहता तू, ऑस्ट्रेलिया रहता तू, फ्रांस रहता तू, ऐस करके गया अपा तेन एयरपोर्ट से छट के नहीं आए जी, अपा तेरे पिंड से ध्यान नहीं रखते, तेरा तेरी जमीन का तेरे घर का साड़ी हेल्प कर। आज लोग वहां फोन करते हैं, पैसा मांगते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि एक खजाने की बात बता रहा हूँ आपको। कितने लोगों को खजाना चाहिए? हमारे देश का खजाना खाली हो गया होगा लेकिन ऊपर वाले का खजाना खाली नहीं होगा, याद रखना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि आप दोस्त से मांगते हैं दोस्त आपकी मदद करता है, लेकिन यीशु मसीह भी एक आपका बेस्ट फ्रेंड है। बोलो हालेलुया। जब मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा और मेरा ड्राइवर मेरे से पूछे कहाँ जा रहे हो, मैं उसको नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहे हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे से पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन अगर मेरा दोस्त मेरे साथ सीट पे बैठा होगा और मेरे से पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, मैं उसे बताऊंगा दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मैंने कहा कुछ काम जा रहे हैं। हालेलुया। बताना पड़ेगा कि नहीं? तो आज एक जीवन ऐसा जीना है यीशु मसीह को अपना दोस्त समझ रहे हैं। याद रखना जो उसे कहोगे वो आपसे बातचीत करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग नहीं समझते, युद्ध हार जाते हैं पहले ही, क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते। यीशु मसीह आपका मित्र कौन है वो? लेकिन कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मैं तो तेरा नौकर हैगा। परमेश्वर कहता ठीक है बह जा, तेन मैं कुछ नहीं दसना। जड़ा है कहता ना मैं तेरा नौकर हैगा। परमेश्वर कहता तू तेन मैं भविष्यवाणी कदी नहीं दसनी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊ बोलो कि यीशु मसीह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो फ्रेंड अगर कुछ मांगता है तो उसके लिए जान भी दे देते हैं, देते हैं कि नहीं? फ्रेंड जब फ्रेंड के घर जाता है उधार मांगने के लिए तो पत्नी बोलती है आ गया खोते दा पुत्र, आ गया फिर मर जाने, आ गया फिर। और अपने पति को बोलती है सो जा उठियो ना, और उसका पति कैमरे में से देखता रहता है कहता मेरा दोस्त आया बेचारा, कह रहा उसको पता नहीं क्या जरूरत है मुझे उठना है। वो अपनी पत्नी को सुला देता है छो जा। और उसके बाद जब वो सो जाती है फिर उठकर उसे फोन करता है क्या बात है बेटे, कह रहा दोस्त मेरे क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, जाता है कि नहीं एक अच्छा दोस्त। याद रखना परमेश्वर भी सारी समस्याओं को आज रात सुलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा, आज आपके मत्थे में पड़े हुए बट को सलवट को हटा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
आज आपकी छुरियों को खत्म करके जाएगा, आज आपकी समस्याओं का हल करेगा वो। परमेश्वर ने कहा कह रहे जो हल कराना चाहता है, बाइबल में लिखा व्यवस्था विवरण में कह रहे हल पर हाथ रख के पीछे मत देखना, कह रहे एक तरफ कह रहे बैल और दूसरी तरफ गदा मत जोतना। उसका मतलब ये कह रहे अगर तुम हल जोत रहे हो तो उसी समय दो बैल लो। कई लोग क्या करते हैं, इधर बैल है इधर गदा है। इसका मतलब कह रहा बैल कहेगा मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, और गदा कहेगा ढैंचू मैंने तो सोना है सोना है ढैंचू धूप होगी। आज कह रहे हैं कि दो कान है आपके, एक बैल एक गदा है। एक विश्वास करता है एक विश्वास नहीं करता। दोनों कान आज विश्वास के लगा लो। आज यहोवा जोरावर मिराकल करने वाला है, आज यहोवा जोरावर मिराकल करने वाला है। आप लेफ्ट से भी राइट से भी पॉजिटिव बातें सुनना स्टार्ट करो। पॉजिटिव लोग रहने से आपके आसपास जरूरी है। अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग नहीं है आप जंग जीतने से पहले हार जाते हैं। इसलिए आज हाथ उठाऊं बोलो परमेश्वर मेरे आसपास पॉजिटिव लोग आ जाएं। सबसे बड़ी बात है ये, जब आपके आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं आप जंग हारने लगते हैं। आप हो सकता है कि आपके बच्चे नेगेटिव हो, आपकी पत्नी नेगेटिव हो, इसलिए मैंने हाथ उठवाया कि जब आप हाथ उठा रहे हैं आज घर जाएंगे, आपके बच्चे आपके परिवार के लोग पॉजिटिव हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।